जीवंत व्यवस्था अगर समयानुकूल परिवर्तन को स्वीकार नहीं करती है तो उसकी जीवंतता समाप्त हो जाती है, और जो व्यवस्था में जीवंतता न हो वो व्यवस्था अपने आप में बोझ बन जाती है। और इसलिए ये बहुत ही आवश्यक होता है, जैसे व्यक्ति के विकास की जरूरत होती है ऐसे व्यवस्थाओं के विकास की भी आवश्यकता होती है। समयानुकूल परिवर्तन की आवश्यकता होती है, कालबाह्य चीजों से मुक्ति के लिए बहुत बड़ा साहस लगता है, लेकिन अगर प्रयोग करते हैं उसका सही ढंग से ऑब्जर्वेशन करते हैं तो कुछ चीजें नई हम स्वीकार करने की मनस्थिति भी बना लेते हैं। आज यहां दो प्रकार के लोग हैं, एक वो है जो जानदार है, दूसरे वो जाने की तैयारी में है। वो इंतजार करते होंगे कि अब 16 में जाना है तो फिर क्या करेंगे, 17 में जाना है तो क्या करेंगे, और आप लोग सोचते होंगे कि यहाँ से जाने के बाद जहाँ पोस्टिंग होगा पहले क्या करूँगा, फिर क्या करूँगा, कैसे करूँगा। यानी दोनों उस प्रकार के समूहों के बीच में आज का ये अवसर है। जब आप लोग मसूरी से निकले होंगे तब तो बिल्कुल एक ऐसा मिजाज होगा कि वाह अब तो सब कुछ हमारी मुट्ठी में है, और फिर अचानक पता चला होगा कि नहीं नहीं वो नहीं जाना है, यहाँ थोड़े दिन, और पता नहीं आप पर क्या क्या बीती होगी। और यहाँ से आगे क्या होगा समय बताएगा, पर ये विचार जब मेरे मन में आया तब एक विचार ये था, हम बहुत पहले एक बात बचपन में सुना करते थे कि कुछ लोग पत्थर पे तराशने का काम कर रहे थे और किसी ने जाकर के पूछा अलग अलग लोगों से, क्या भाई क्या कर रहे हो? तो कुछ ने कहा, यार क्या करें भाई, गरीब के घर में पैदा हुई है, पत्थर फोड़ते रहते हैं, गुजारा करते हैं। दूसरे के पास पूछा तो उसने कहा कि अब देखो भाई, पहले तो कहीं और काम करता था लेकिन वहाँ ठीक से आमदनी नहीं होती थी, अब यहाँ आया हूँ देखता हूँ पत्थर पे अपनी भविष्य की कुछ लकीरें बन जाए तो मैं वो कोशिश कर रहा हूँ। तीसरे के पास गए तो उसने भी ऐसा ही, देखो भाई अब काम मिल गया है ऐसे ही सीखते हैं करते हैं। एक के पास चले गए तो बड़े उमंग के साथ काम कर रहा, करता तो वही था, वो भी वही करता था जो पहले तीन वाले करते थे। तो उसने कहा नहीं नहीं जी, मैं तो मेरे जीवन का एक बड़ा सौभाग्य है, बहुत बड़ा भव्य मंदिर बन रहा है और मैं उसमें ये पत्थर तराश करके उस मंदिर के अंदर ये हिस्सा मैं तैयार कर रहा हूँ। क्योंकि उसे कल मन का भाव ये था कि मैं एक विशाल भव्य मंदिर का काम का एक हिस्सा हूँ और उसके लिए मैं तराश रहा तो एक पत्थर के एक कोने को तराश रहा हूँ, लेकिन मेरा अंतिम परिणाम उस भव्य मंदिर के निर्माण का हिस्सा है, और वो भव्य मंदिर की कल्पना उसकी थकान दूर कर देती थी, उसको बोझ नहीं लगता था पत्थर तराशना। कभी कभार हम भी फील्ड में जाते हैं, एक किसान कोई बात लेकर के आता है उसका काम करते हैं तो हमें लगता है मैंने किसान का काम किया। किसी गांव में गए, बिजली का समस्या है, बिजली की समस्या दूर की, तो हमें लगता है कि मैंने बिजली की समस्या में
कोई रास्ता निकाला। लेकिन यहां तीन महीने इस परिस्थिति में रहने के बाद जब जाएंगे तो आपको लगेगा मैं जो कर रहा हूं वो जब मैं दिल्ली में तीन महीने बिताए थे और हिंदुस्तान का जो सकल सूरत बदलने का काम है मैं उसमें एक हिस्सा बन करके जिस धरती पर मैं हूं वहां मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूं। और इसलिए मसूरी से निकल करके गए हुए व्यक्ति ने किया हुआ काम, उससे मिला हुआ संतोष और दिल्ली में बैठ करके पूरे भारत के भविष्य के नक्शे को देख करके जाकर के अपने क्षेत्र में काम करने वाला प्रयास, ये दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। अगर ये अनुभव तीन महीने में आया है तो आपकी वहां की काम करने की सोच बदल जाएगी। अगर आप जिस क्षेत्र में जाएंगे और उसके अंदर दो गांव ऐसे होंगे जहां बिजली का खंभा भी नहीं लगाएगा, लेकिन अब जब जाएंगे तो आपको लगेगा अच्छा अच्छा वो हिंदुस्तान के 18,000 गांव हैं जो बिजली के खंभे नहीं लगे हैं, वो दो गांव मुझे पूरे करने हैं, मैं नहीं देर करूंगा, मैं पहले काम पूरा करूंगा। यानी इन ट्यून विथ विजन हमारा एक्शन होगा और इसलिए एक समग्रतया को किताबों के द्वारा नहीं, लेक्चर के द्वारा नहीं, एकेडमिक डिस्कशन के द्वारा नहीं, प्रत्यक्ष रोजमर्रा के काम में काम करते करते अलग तरीके से सीखा जा सकता है। अब ये प्रयोग नया है तो ये भी तो विकसित हो रहा है। तो आपने देखा होगा कि पहले आए होंगे तो आपको एक ब्रीफिंग दिया गया होगा, बीच में अचानक एक और काम आ गया होगा, अरे भाई देखो जरा इसको भी करो। ये क्योंकि ये एक व्यवस्था को विकसित करना है तो सुझाव जैसे आते गए जोड़ते गए। मेरे आप सबसे भी गुजारिश है ये तीन महीने वाला प्रयोग कैसा हो, कितने समय का हो, कैसे उसमें बदलाव लाया जाए और अच्छा कैसे बनाया जाए, या इसको न किया जाए, ये भी हो सकता है, ये न किया जाए ऐसा कोई लाभ नहीं है। ऐसा क्या किया जाए, ये पहली बैच है जिसको इस प्रकार से जुड़ने का अवसर मिला है। अगर आप उस प्रकार के सुझाव डिपार्टमेंट को देंगे, मुझे डिपार्टमेंट बता रहे थे वो रेगुलर आपसे इंटरेक्शन करते रहते थे, आपके अनुभवों को पूछते रहते थे, बताते थे, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ लगता है कि हाँ इस व्यवस्था को और अधिक परिणामकारी बनाना है, प्राणवान बनाना है, तो कैसे बनाया जाए, इस पर आप लोग सुझाव देंगे तो अच्छा होगा। अब आप एक नई जिम्मेवारी की ओर जा रहे हैं, आपके मन में दो प्रकार की बातें हो सकती हैं। एक तो क्यूरियोसिटी होगी, यार ठीक है पहली बार जा रहे हैं सरकारी व्यवस्था में, पहले तो कभी रहे नहीं, जो जगह पे जा रहे हैं जगह कैसी होगी, काम कैसा होगा। और दूसरा मन में रहता होगा नहीं यार कुछ करके दिखाना है। और ये आपके हर एक के मन में होगा, ये नहीं है कि नहीं होगा, क्योंकि हर व्यक्ति को लगता है जीवन में जो भी काम मिले उसको सफल होने की इच्छा हर किसी की रहती है। लेकिन संकट तब शुरू होता है कि किसी को लगता है कि मैं जाकर के कुछ कर दूंगा, तो ज्यादातर लोगों की कैरियर का प्रारंभ संघर्ष में उलझ जाता है। उसे पता नहीं होता है कि भाई तुम तो 22, 28, 25 साल, 30 साल के हो, लेकिन वहां बैठा हुआ 35 साल से वहां बैठा हुआ है, तुम्हारी उम्र से ज्यादा सालों से वो वहां बैठा हुआ है। आपको लगता होगा कि मैं तो बड़ा आईएएस अफसर बन के आया हूं, लेकिन उसको लगता है यार तेरे जैसे 15 आकर के गए मेरे कार्यकाल में। और ये ईगो क्लैश से शुरुआत होती है, आप सपने लेकर के गए हैं और वो परंपरा लेकर के जी रहा, आपके सपने और उसकी परंपरा के बीच का टकराव शुरू होता है। और एक पल ऐसी भी आती है, या तो संघर्ष में समय बीत जाता है या आपने बलबूते पर आप एकाध चीज कर देते हैं और आपको लगता है देखो मैंने करके दिखा दिया ना, यहां बैठे हुए ऐसे सबको अनुभव आ चुका होगा, आप उनसे बात करेंगे तो पता चलेगा। क्या ये आवश्यक नहीं है कि हम वहां जाकर के, क्योंकि आपके जीवन में
10 साल से अधिक समय नहीं है काम करने का, या मान के चलिए 10 साल से अधिक समय नहीं है। जो कुछ भी नया कर पाओगे, जो कुछ भी नया सीख पाओगे, जो भी प्रयोग करोगे, वो 10 साल का ही हिसाब के पास है। बाकी तो आप हैं, फाइल हैं और कुछ नहीं है। लेकिन ये 10 साल वो नहीं है। आप ये 10 साल फाइल नहीं, लाइफ से जुड़ते हैं। और इसलिए ये 10 साल का जो मैक्सिमम उपयोग करेगा, उसका फाउंडेशन इतना मजबूत होगा कि बाकी के 20-25 साल वो बहुत कंट्रीब्यूट कर पाएगा। अगर वो धरती की चीजों से रसकस लेकर के नहीं आया, क्योंकि समय बीतते इस पाइपलाइन में आया है तो उस स्टेशन पे पहुंचना ही पहुंचना है उसको, वो खुद भी एक बार बोझ बन जाता है। फिर लगता है भाई जब क्या करे, 20 साल पुराना अफसर है, कहाँ रखोगे, चलो यार उस डिपार्टमेंट में डाल दो। अब वो जाने, वो डिपार्टमेंट का नसीब जाने। लेकिन अगर हम एक कर करते आए हैं, सीख करके आए हैं, जी जान से जुट गए हैं, आप देखिए आपकी इतनी ताकत होगी चीजों को जानने की, समझने की, उसको हैंडल करने की, क्योंकि आपने खुद ने किया होगा। कभी कभार एक्सपीरियंस बहुत बड़ी ताकत रखते हैं। मुझे एक मुख्यमंत्री ने एक बार घटना सुनाई थी। वे अपने करियर में बहुत सामान्य जीवन से निकले थे, वो भी पुलिस डिपार्टमेंट में छोटी नौकरी करते करते वो आए थे। अब वो व्यक्तित्व में काफ़ी कुछ था तो वो मुख्यमंत्री बने। उनके मुख्यमंत्री काल में एक बहुत बड़े दिग्गज नेता के बेटे का किडनैपिंग हुआ। अब बड़ा टेंशन पैदा हो गया, क्योंकि वो जिसके बेटे का किडनैपिंग हुआ था वो दूसरे दल के थे, ये सब मुख्यमंत्री थे वो तीसरे दल के थे, और मीडिया को तो फिर मौज ही थी। तो लेकिन उन्होंने सारी मशीनरी को मोबिलाइज किया। उन्होंने एक सूचना दी, बड़ा इंटरेस्टिंग था। उन्होंने अपने इंटेलिजेंस वालों को कहा कि भाई तुम जरा देखो, दूध बेचने वालों को जरा मिलो। और देखिए कहाँ पर अचानक दूध की मांग बढ़ी है। पहले 500 ग्राम लेते थे, अब 2 लीटर ले रहे हैं, कहाँ है जरा देखो। उन्होंने आइडेंटिफाई किया कुछ थे जहाँ पर अचानक दूध ज़्यादा लिया जा रहा था। उन्होंने कहा उसको जरा मॉनिटरिंग करो। और सरप्राइजिंगली ये किडनैप कर करके जो लोग थे, जिस जगह पर ठहरे थे वहीं पर दूध खरीदा जाता था 2-3 लीटर अचानक। उस एक बात को लेकर के उन्होंने पूरा अपना जो बचपन का, जवानी का, जो पुलिसिंग का अनुभव था, वो मुख्यमंत्री बनने के बाद काम में लगाया। और जो पूरा डिपार्टमेंट के दिमाग में नहीं बैठ रहा था उनके दिमाग में, और वो किडनैप करने वाले सारे धरे पकड़े गए और बच्चे को निकाल करके ले आए और एक बहुत बड़े संकट से बाहर आ गए। ये क्यों हुआ? तो अपने जीवन के प्रारंभिक कार्यकाल में किए हुए, आपके जीवन में आप उस अवस्था में है, उस अवस्था में इतना पसीना बहाना चाहिए, इतना पसीना बहाना चाहिए, साथियों को लगना चाहिए कि यार ये एक बड़ा अफसर ऐसा है, खुद मेहनत करता है, तो औरों को कभी कहना नहीं पड़ता है, फिर सब लोग दौड़ते हैं। आप अगर बोर्ड लगाओगे एक समय पर ऑफिस आना चाहिए, उसकी उतनी ताकत नहीं कि आप समय के पहले 5 मिनट पहुंच जाए, उसकी ताकत है। आप अफसरों को कहेंगे भाई सप्ताह में एक दिन दौरा करना चाहिए, रात को गांव में रुकना चाहिए, 2 दिन रुकना चाहिए, उतनी ताकत नहीं है कि जब तक हम जाकर के रुके। हमारे पूर्वजों ने जो व्यवस्थाएं विकसित की होगी वो निकम्मी नहीं होगी, ये मान के चलिए। उसके पीछे कोई इनको लॉजिक होगी, कोई इनके कारण होंगे। मूलभूत बातों का अपना सामर्थ्य होता है। हम उसको रिलीजियसली फॉलो कर सकते हैं क्या? रिलीजियसली हम फॉलो करें, लेकिन हमारी बुद्धि शक्ति को उसमें जोड़ करके उसमें से आउटकम की दिशा में हम प्रयास करें। और अगर ये हम करेंगे तो हमें लगेगा कि हम सचमुच में परिणाम ला सकते हैं। अब आप लोग जो हैं, करीब करीब आने वाले 10 साल में हिंदुस्तान के 1/5 डिस्ट्रिक्ट को संभालने वाले लोग हैं। यहाँ नेक्स्ट 10 ईयर हिंदुस्तान के 1/5 डिस्ट्रिक्ट का भाग्य बदलने वाले हैं।
आप कल्पना कर सकते हैं कि देश के 1/5 डिस्ट्रिक्ट को ये टीम अगर बदल दें तो मैं नहीं मानता हूं हिंदुस्तान को बदलने में कोई रुकावट आ सकती है। आपके पास व्यवस्था है, आपके पास निर्णय करने का अधिकार है, आपके पास टीम है, रिसोर्सेज क्या नहीं है, सब कुछ है। दूसरा, कम से कम संघर्ष, कम से कम, ये तो मैं नहीं कह सकता कि कहीं कोई हो ही नहीं सकता, थोड़ा बहुत तो कभी हो जाए, लेकिन टीम फॉर्मेशन की दिशा में प्रयास, पुराने अनुभवियों को पूछना, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में आपको लगाया जाएगा, हो सकता है यहां बैठे हुए लोग में से कोई होगा जो उस डिस्ट्रिक्ट में काम करके आया होगा अपने कैरियर की शुरुआत में, तो जरा ढूंढिए ना कि भाई पिछले 25 साल में आप जहां गए हैं वहां पहले कौन कौन अफसर आकर के गए हैं, पत्र चिट्ठी लिखिए उनको, संपर्क करने की कोशिश करिए, आप जब आए थे तो क्या विशेषता थी, कैसे हुआ, आपको 25 साल का पूरा हिस्ट्री आप बड़ी आसानी से एब्सॉर्ब कर लेंगे, तो आप एक कंटिन्यूटी में जुड़ जाएंगे। और बहुत लोग होंगे, अच्छा एक एक मनुष्य जीवन की एक बड़ी विशेषता है, उसका फायदा भी लिया जा सकता है, इंसान जब निवृत्ति होती है और जब पेंशन आता है तो पेंशन बोधि वृक्ष जैसा होता है, पूरा ज्ञान उभर करके पेंशन के साथ आ जाता है, और वो इतने सुझाव सलाह देते हैं, ऐसा करते तो अच्छा होता, ऐसा करते तो अच्छा होता। अब ये गलत कर रहे था मेरा मत नहीं है, अपने समय में कर नहीं पाए, लेकिन उनको पता था कि ये करने जैसा था, कुछ कारण थे नहीं कर पाएंगे। अगर आपके माध्यम से होता है तो वो चाहता है कि यार तुम ये करो, इसलिए वो उनके जो ज्ञान संपूर्ण है वो हमें उपलब्ध होता है। अगर आपके जिस इलाके में काम किया वहाँ 8-10 अफसर पिछले 20-22 साल में निकले होंगे, आज जहाँ भी हो समय लेकर के फोन पर पे चिट्ठी लिख करके मुझे आपका मार्गदर्शन चाहिए, मैं वहाँ जा रहा हूँ, आपने इतने साल काम किया था जरा बताइए, वो आपको लोगों के नाम बताएंगे, देखो भाई उस गांव में वो जो दो लोग थे बहुत अच्छे लोग थे, कभी भी काम आ सकते हैं, हो सकता है आज उनकी उम्र बड़ी हो गई थी, काम आएंगे। आपको जो क्वालिटेटिव अच्छी विरासत है ये सरकारी फाइल में नहीं होती है बात, और न ही आपके दफ्तर में कोई रहेगा जो आपको उंगली पकड़ ले जाए, ये अनुभव से निकले हुए लोगों से मिलती है। क्या हमारी ये कोशिश रहनी चाहिए कि हम इसको जोड़ें? हम ये मान के चले कि सरकार की ताकत से समाज की ताकत बहुत ज्यादा होती है, सरकार को जिस काम को करने में लोहे के चने चबाने पड़ते हैं, अगर समाज एक बार साथ जुड़ जाए तो वो काम ऐसे हो जाता है पता तक नहीं चलता है। हमारे देश का तो स्वभाव है, नेचुरल कैलेमिटी आती है तब सरकारी दफ्तर में मान लीजिए फूड पैकेट पहुंचाने हैं तो कितनी ही मैनेजमेंट करे, बजट खर्च करे 2000, 5000, 10000, लेकिन समाज को कह दे कि भाई देखिए फूड पैकेट लगाइए, लोग पानी आया है, परेशान है, आप देखिए फूड पैकेट को वितरित करने में हमारी ताकत कम बढ़ जाए, इतने लोग भेज देते हैं, ये समाज की शक्ति होती है। सरकार और समाज के बीच की खाई ये सिर्फ पॉलिटिशियन भर नहीं सकते, और हमने हमारा स्वभाव बदलना पड़ेगा। हम इलेक्ट्रेटिक बॉडी के द्वारा ही समाज से जुड़े ये आवश्यक नहीं है, हमारी व्यवस्था का सीधा संवाद समाज के साथ होना चाहिए। दूसरी कमी आती है, कभी एस्टैब्लिश कुछ पुर्जे होते उसी के थ्रू हम जाते, उससे ज्यादा फायदा नहीं होता है, क्योंकि उनका एस्टैब्लिशमेंट हो गया है तो उनका दायरा भी फिक्स हो जाता है। हम सीधे सीधे संवाद करें, नागरिकों के साथ सीधा संवाद करें, आप देखिए इतनी ताकत बढ़ जाएगी, आपको इतनी मदद मिलेगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आपके हर काम को वो करके देते हैं। अगर आपको शिक्षा में काम लेना है तो आप अपने सरकारी अधिकारियों के माध्यम से जाएंगे या टीचर के साथ बैठ लेंगे एक बार, आप देखिए वो अपने आप में एक शक्ति में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। मेरा कहने का तात्पर्य है कि हम अपने आप को हमारे दफ्तर से अगर बाहर निकाल सकते हैं,
हम हमारी व्यवस्थाओं को दफ्तरों से बाहर निकाल करके जोड़ सकते हैं। अब ये अनुभवी अफसरों ने जो योजनाएं बनाई थी और आप लोगों को मैंने सुझाव दिया था, सिन्हा जी को जरा इनको देखिए, वो बराबर इसका डिस्कशन करें और क्या कमियां ढूंढ के लाएंगे। अब आपने प्रेजेंटेशन में वो सारी बातें उजागर की है और आपका जितना अनुभव था जिस सरकमस्टेंसेस में आपने काम किया, आपने सुझाव भी दिए हैं। मैं चाहूँगा कि डिपार्टमेंट के लोग इसको जरा एक बार सीरियसली एक प्रॉपर फॉरम में देखें कि क्या हो सकता है। हो सकता है 10 में से 2 होगा, लेकिन होगा तो सही। ये प्रक्रिया क्या आप यही परंपरा आप जहां जाएं एक अलग अलग लेयर की कोई एकदम फ्रेश जो लोग हो, कुछ 5 साल के अनुभवी के साथ है, उनको एक आध दो समस्या अगर उस इलाके की नज़र आती है, मेजर 2 समस्या, और आपको लगता है मुझे 2-2.5 साल यहां रहना है, ये 2 समस्या को मुझे एड्रेस करना है, उनको बिठाइए, बोलिए अरे अब देखो भाई जरा स्टडी करके बताइए मुझे हम बातचीत पहुंचा क्यों नहीं पा रहे हैं, क्या सुधार करें, कैसे करें, तुम मुझे सुझाव दो। आप देखिए वो आपकी टीम के ऐसे हिस्से बन जाएंगे जो आपने शायद खुद जाकर के 6 महीने स्टडी में लगेगा, वो आपको 1 सप्ताह भर के अंदर दे देंगे। हम हमारी टीम का अलग अलग लेयर कैसे तैयार करें, एक्सपांसन कैसे करें, ये अगर हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में लचीलापन हम लाते हैं, आप देखिए आप बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। आपके जिम्मे हैं, मैं आज उन बातों के करने नहीं चाहता हूं कि भारत सरकार की ये योजना है उसको ये लागू करो, डिकना लागू करो, फला लागू करो। सरकारी अफसर का स्वभाव होता है ऊपर से कागज आए तो उसके लिए वो बाइबल हो जाता है, लेकिन कभी कभार उसमें ताकत भरने की जिम्मेवारी व्यक्ति व्यक्ति पर होती है, और हम उस बात को करें तो आप अच्छा परिणाम दे सकते हैं। कभी कभार हम देखते हैं कि भी 2-4 लोग बीमार मिल जाते हैं तो पता चलता है तो बोले क्या था? नहीं बोले वायरल चल रहा है, वायरल है इसके कारण बीमार है। लेकिन एट द सेम टाइम हम देखते हैं कि वायरल होने के बाद भी बहुत लोग हैं जो बीमार नहीं है। बीमार इसलिए नहीं कि इनकी उनकी इम्यूनिटी है, उनके अपनी इनहेरेंट ताकत है जिसके कारण वायरल उनको इफेक्ट नहीं करता है। क्या हम जहां जाए वहां वायरल जो भी हो, आलस का हो सकता है वायरल, उदासीन का हो सकता है वायरल, करप्शन का हो सकता है वायरल, होंगे। लेकिन अगर मैं एक ऐसी ताकत लेकर के जाता हूं अपने आप वायरल होने के बाद भी, एक दवाई की गोली वायरल के होने के बाद भी टिका सकती है, तो जीता जागता इंसान उस वायरल वाली अवस्था में जाकर के भी स्थिति को बदल सकता है। अगर एक टिकिया इतना परिवर्तन ला सकती है तो मैं तो इंसान हूं, मैं क्यों नहीं ला सकता। रोने बैठने से होता नहीं है, लेकिन तनाव और संघर्ष के साथ स्थितियां बदली नहीं जा सकती है। आप लोगों को कितना जोड़ते हैं उतनी आपकी ताकत ज्यादा बढ़ती है, आप कितने शक्तिशाली अनुभव कराते हैं उससे उतना परिणाम नहीं मिलता है कि जितना कि लोगों को जोड़ने से मिलता है। और इसलिए अगर आप जिस क्षेत्र में आप जा रहे हैं, जो जिम्मेवारियां निभाने जा रहे हैं, राष्ट्र के जीवन में कभी कभी ऐसे अवसर आते हैं जो हमें कहां से कहां पहुंचा देते हैं। आज वैश्विक परिवेश में मैं अनुभव करता हूं कि इस कालखंड को, ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी को खोने का भारत को कोई अधिकार नहीं है। न 125 करोड़ देशवासियों का ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी खोने का अधिकार है, न व्यवस्था में जुड़े हुए हम सबको इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को खोने का अवसर है। ऐसे अवसर वैश्विक परिवेश में बहुत कम आते हैं जो मैं आज अनुभव कर रहा हूं, जो आया है। ये हाथ से निकल न जाए, ये मौके का उपयोग भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कैसे हम करें, स्थितियों का हम फायदा कैसे उठाएं। और इसलिए हम जो जहां है वहां जितनी भी उसकी जिम्मेवारी है, जितनी उसकी ताकत है, हम उसका अगर पूरा भरपूर उपयोग करेंगे और तय करेंगे नहीं नहीं मुझे आगे ले जाना, आप देखिए देश चल पड़ेगा। तो मेरी आप सबको बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।